अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे मॉइस्चराइज़र्स का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि बेसिकली हैं तो दोनों मॉइस्चराइज़र, लेकिन एक मॉइस्चराइज़र है और एक बॉडी लोशन है। एक एक्सपेंसिव है, एक थोड़ा चीप रेट में है। क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है जी। प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे पहले, तो इसका जिक्र हम बाद में करते हैं। इसके बारे में आपको बता दूँ, मेरे आपको पता है मॉइस्चराइज़र जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। समर्स हो विंटर हो, मॉइस्चराइज़र अपना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीन एज में क्या होता है कि हमारी स्किन में ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड और नमी जो है वो स्किन की बहुत ज़्यादा फेरा फ्लॉलेस होता है, स्किन में बहुत नमी मौजूद होती है। तो टीन एजर बच्चे बच्चियाँ क्या करते हैं कि वो मॉइस्चराइज़र को अप्लाई नहीं करते हैं, उसकी अहमियत से इतना वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप 25 क्रॉस करते हैं या मैक्सिमम आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपकी स्किन में वो कॉलेजन और वो जो इलास्टिसिटी और वो जो ग्लो है, जो नमी है, जो स्किन का पीएच लेवल बरकरार रखती है, जो स्किन में ग्लो पैदा करती है, वो ख़त्म होना या धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में लक्स्टर कम हो जाता है, स्किन की इलास्टिसिटी वैसे नहीं रहती जैसे हमारी यंग एज में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मॉइस्चराइज़र जो है ना ये बहुत मेन रोल अदा करता है। जैसे ही आप फेस वॉश करें, मैं आपको सजेस्ट करूं चाहे आप दुनिया की अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं कर रहे तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे वर्क नहीं करेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो ये बॉडी लोशन है लेकिन इसको भी आप स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो बेस का ये डेली मॉइस्चराइज़र थेरेपी बॉडी लोशन है, ठीक है जी, फॉर ड्राई क्रैक्ड एंड इरीटेटेड स्किन। अगर आपकी स्किन विंटर्स में बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है या समर्स में सनबर्न हो गया, धूप में जाने की वजह से स्किन झुलस गई है, स्किन डल फील कर रही है, ड्राई फील कर रही है, फ्लैकी लग रही है, खिंच रही है, तो आप जैसे ही फेस वॉश करें उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और बी श्योर के आफ्टर वॉशिंग योर फेस शुड बी लिटल बिट ऑफ मॉइस्ट, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो पानी आपके फेस पे मौजूद हो, आपका फेस थोड़ा नम नम हो बेसिकली, तब आपने जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो नमी को लॉक करता है, वाटर को लॉक करता है, जिसकी वजह से स्किन हेल्दी लगती है, ग्लोई लगती है, ठीक है जी। ये इमीजिएटली स्किन को हाइड्रेट करता है, यानी कि सेवरली ड्राई इची रफ़ स्किन के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद ड्राई इची रफ़ फ्लैकी स्किन के लिए, जो जैसे वो एक हमारी स्किन के बालों के अंदर जो डैंड्रफ होती है उसके छिलके से उतरते हैं ना, तो ऐसे ही अगर आपकी स्किन के ऐसे छिलके से उतर रहे हैं, इचिंग कर रही है, रफ़ है, या स्किन का जो वाइटनिंग क्रीमें लगा लगा के आपका स्किन का बैरियर ख़राब हो चुका है, तो मॉइस्चराइज़र उसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है सेंसिटिव स्किन के लिए, ठीक है जी। स्किन को रिलीव करता है, टाइट स्किन को जो है वो हेल्दी और ग्लोई करता है। क्लिनिकली प्रूवन टू स्ट्रेंथन द रिपेयर स्किन मॉइस्चर बैरियर, स्किन के मॉइस्चर बैरियर को ये ठीक करता है और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। मैंने इसको लोकल मार्केट से बाया गया और इसकी प्राइस जो है वो 1200 है। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। ठीक है, मेरी तरह से ये रिकमेंडेड, आप इसको भी ले सकते हैं। अगर इसकी जो क्वान्टिटी है ना वो थोड़ी सी थिन है, क्योंकि ये इट्स वो कह रहे हैं कि इट्स मतलब ये एक बॉडी लोशन है तो इसकी थोड़ी सी थिकी है, आप ऐसे करके इसको बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये फोरी जो है ना अब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्किन में कोई भी इसी चिपचिपी का एहसास नहीं देता। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, आफ्टर मेकअप से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, बॉडी फेस और हैंड्स फोटो और सब के लिए। ये जी मेरे पास दूसरा मॉइस्चराइज़र है गोल्डन पर्ल का, ये 7 ईयर ब्यूटी केयर क्रीम मॉइस्चराइज़र, विटामिन ई, विटामिन सी, नियासिनामाइड, आलमंड ऑयल, एलोवेरा, हाइलुरोनिक एसिड, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि स्किन को हेल्दी करते हैं, ग्लोई करते हैं, ठीक है जी। ये लोशन है, लोशन फॉर्म के अंदर है, थिन कंसिस्टेंसी में, ये थिक फॉर्म में, इट्स बेसिकली अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड इट्स अ मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है जी। इसके अंदर SPF 15 भी मौजूद है, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन जो है वो अलग से लगाएं, ठीक है जी। ये डेली मॉइस्चराइज़र है, स्किन को लाइटनिंग करता है, सन से प्रोटेक्शन करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करता है, ठीक है। गोल्डन पर्ल पाकिस्तान का लोकल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 1200 का है और ये 250 का है, आई थिंक 200 का ये, बट गाइस दोनों के रिज़ल्ट सेम है। आप बोलोगे कि आप इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे तो हम देखिए, मैं आपको वो बताऊंगी कि मुझे इस प्रोडक्ट से भी अच्छा रिज़ल्ट मिला, इससे भी अच्छा रिज़ल्ट मिला, लेकिन जो आपके बजट फ्रेंडली की अगर बात करूं तो ये आप मैं सजेस्ट करूंगी। अगर आप पॉकेट फ्रेंडली लेना चाहते हैं तो आप ये लें, अगर आप अच्छे की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये 1200 का है। बॉडी लोशन है, यूज़ कम होता है और ज़्यादा अर्सा निकालता है, ये सस्ता है, क्वालिटी वाइज अच्छा है,
इसके प्राइस पे मत जाइए, इसकी क्वालिटी पे जाइए। मैं ख़ुद इसको यूज़ कर रही हूँ, वरना इतनी सस्ती चीज़ में ख़ुद यूज़ नहीं करती। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। विटामिन सी स्किन को ब्राइट करता है, आपको पता है। सिनामाइड हमारे पोर्स को टाइट करता है। ऑलमंड आइट स्किन में ग्लो पैदा करता है। एलोवेरा स्किन में सूदिंग इफेक्ट देती है। और हाइलुरोनिक एसिड स्किन में नमी बरकरार रखता है। ठीक है जी, बहुत अच्छा है ये। इसके टेक्सचर की अगर बात करें तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ। ठीक है जी, ये देखें उसकी कंसिस्टेंसी आपने देखी थी, वो बिल्कुल लोशन फॉर्म में है और ये क्रीम फॉर्म में ही। देख रहे हैं आप, ये क्रीम है। बड़ी इजीली ये स्किन में ग्लाइड ऑन हो जाता है। ये देखिए वैनिश हो जाता है, बिल्कुल दिखेगा नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा ना थिक है और इसी कंसिस्टेंसी है कि चिपचिपा आपको फील होगा। लेकिन वो जो बॉडी लोशन हमें लगाया था वो बहुत थिन है, वो इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। मेरी तरह से जी टोटली रिकमेंडेड है, दोनों बहुत अच्छे हैं। मार्केट में तो आपको बहुत सारे मॉइस्चराइज़र मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको ज़रूर यूज़ किए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी प्रोडक्ट्स के बारे में। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो या आप चाहती हैं मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।